महेश जोशी हमारे साथ हैं, प्रदेश के जलदाय मंत्री हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नज़दीक कहे जाते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरणलाल मीणा ने जो आरोप लगाए हैं वो एक विभाग से जुड़े हुए हैं। गंभीर आरोप के मद्देनज़र हम महेश जोशी से बात करते हैं। जिस तरह के आरोप हैं, कितनी गंभीरता को माने, FIR लॉन्च कराने वो थाने पर भी पहुँचे? देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका उनकी फितरत ऐसी है, उनका काम ऐसा है, शव लेके बैठ जाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, पूरा प्रदेश उनकी राजनीति को जानता समझता है। अगर उनके आरोपों में कोई सच्चाई है तो वो कुछ भी करें, और मुझे भी अगर जांच के लिए कहेंगे मैं भी जांच कराऊंगा। अब जो उन्होंने आरोप लगाए, 20,000 करोड़ के टेंडर हमने निरस्त किए, वो कर उन्होंने भ्रष्टाचार हो गया। और जब काम ही नहीं दिया तो भ्रष्टाचार कैसा हुआ? ये तो किरोड़ी जी बताएंगे, बिना काम के भ्रष्टाचार कैसे होता है? क्या महेश जी, ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर आपको टारगेट किया गया, राजनीतिक कारण है इसके पीछे? निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन आप बताइए, 20,000 करोड़ काम नहीं दिए, 20,000 करोड़ के आरोप लगा दिए, आप ये बताएं 16,500 करोड़ के हमने काम किए, एक आपत्ति हमको NJJM ने नहीं उस पर करी है कि आपने ये काम सही गलत कराया। अगर किसी तरह की कोई कमी होती, गलती होती, तो NJJM हमको बख्शता। NJJM की टीम हमेशा मॉनिटरिंग करती रहती है, गुणवत्ता की जांच करती रहती है, ये एक सतत प्रक्रिया है NJJM की जो वो कर रही है। आज तक NJJM ने हमारे किसी काम में बाधा नहीं डाली। क्या विभागीय जांच के बहाने घेरना चाह रहे हैं महेश जोशी को, महेश जोशी के बहाने घेरना चाह रहे हैं अशोक गहलोत को? है ना, किरोड़ी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। मेरे खिलाफ एक FIR पहले हुई, मैंने तब भी कहा था कि अगर मैं प्रारंभिक रूप से भी इसमें अगर दोषी पाया गया तो किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद कुछ अपने पे सब चीज़ें लागू कर लूँगा। आज उसकी जांच चल रही है CID में, मैंने CCTV फुटेज उपलब्ध करा दिए, वो परिवार मेरे यहाँ आया था, मैंने पूरे सम्मान के साथ उनसे बात की, मैं जानता भी नहीं था ये कौन है, उसके बावजूद मैंने उन जो परिवार के प्रमुख हैं उनका पूरा सम्मान करने की कोशिश की, वो मेरे आगे झुकने की उन्होंने कोशिश की, मैंने हाथ जोड़ के विनम्रता से उन्हें मना किया कि आप बड़े हैं, आप ना झुकें। उसके अलावा उस परिवार के किसी व्यक्ति से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, फिर वो आरोप लगा रहे हैं, तब उनके आरोपों के बारे में क्या कहूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से आपने जल शक्ति मंत्री पर कई बार बयान दिए, उनके खिलाफ हमले बोले, ERCP के मुद्दे पर घेरा, तो क्या राजनीतिक रूप से माना जाए कि अब महेश जोशी को घेरा जा रहा है? देखिए, किरोड़ी जी की पूछ कम हो रही है, वो अपनी पूछ बनवाना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जी को खुश कर रहे हैं वो, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेचर में है कि वो राजस्थान को हमेशा पिछड़ा हुआ बताना चाहते हैं कि राजस्थान JJM में पिछड़ा हुआ है, वो ये बताना चाहते हैं। और हमने इस बात को सिद्ध कर दिया कि JJM में हमने अच्छा काम किया है, हमने 16,500 करोड़ किए हैं, जो खर्चे के हिसाब से पूरे देश में, जो हम 11वें 12वें राज्य हैं, हमने 31 लाख से ज़्यादा कनेक्शन नए दिए, उनके हिसाब से हम दूसरे नंबर पर हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत अच्छा JJM में काम किया है, लेकिन न तो ये किरोड़ी जी को रास आ रहा है, न गजेंद्र सिंह जी को रास आ रहा है, इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगाकर राजस्थान को पिछड़ा हुआ घोषित करना चाहते हैं। महेश जोशी का स्टेप क्या होगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद? मेरा स्टेप, मैं देखूँगा, मानहानि का मुकदमा अगर बनता है तो वो भी करूँगा, और हमेशा जनता के सामने सच्चाई को मैं रखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।